यहाँ पर एक गुड्स ट्रेन अहमदाबाद पुणे ओवरनाइट एक्सप्रेस, तो WDP 4D ईरोड लोको शेड का रेलवे स्टेशन को हम लोग हमारी 100। ही गाइस, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गेमिंग इन इन्फो वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ड्राइव करने वाले हैं निजामाबाद पुणे ओवरनाइट एक्सप्रेस को, और जिससे चलाने के लिए आज हमें दिए गया है ट्विन्स EMD लोकोमोटिव। और फिलहाल हम लोग खड़े हैं धर्माबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जो कि हमारी ट्रेन का शेड्यूल हॉल्ट है। और फिलहाल बज चुके हैं रात के 12:55 और हमारी ट्रेन आधे घंटे से भी ज़्यादा डीले चल रही है। तो हमें देखना होगा कि हम लोगों को धीरे धीरे आगे डीले भी कवर करना है धर्माबाद से नांदेड़ के बीच में, क्योंकि नांदेड़ के बाद तो इस ट्रेन का टाइमिंग ही उस तरीके का दिया है कि इस ट्रेन का टाइम कवर नहीं हो सकता है। और फिलहाल जो है सामने एक ट्रेन आते हुए दिखाई दे रही है मुझे, शायद वो ट्रेन आते ही हमें सिग्नल मिल जाएगा, क्योंकि ये मराठवाड़ा का पूरा रीजन, आधे ऊपर रीजन आपको सिंगल लाइन में देखने को मिलेगा, सिर्फ मुदखेड़ और पूर्णा के बीच में आपको डबल लाइन देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक गुड्स ट्रेन अराइवल लेते हुए धर्माबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, जो कि WDG 4D के साथ अराइवल ले रही है, जो कि काफ़ी खूबसूरत अराइवल है ये धर्माबाद रेलवे स्टेशन पर इस गुड्स ट्रेन का। तो देखते हैं हमें सिग्नल कितनी देर में मिलता है। तो भाई बात करते ही हमारी ट्रेन को सिग्नल भी मिल चुका है, तो चलिए एक लंबा सा हॉर्न बजा लेते हैं पहले, और उसके बाद हम लोग यहाँ से डिपार्चर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हॉर्न बजा लेंगे हम हमारी ट्रेन का। तो यहाँ पर हमने एक लंबा सा हॉर्न बजाकर थ्रॉटल भी दे दिया है हमारी ट्रेन का, जो कि हम लोग ज़्यादा नहीं 20% थ्रॉटल देंगे, क्योंकि आगे लूप लाइन है, मेन लाइन पे जाते ही हमें जो है स्पीड लिमिट मिल जाएगी हमारी। तो फिलहाल हमें जो है 25 KMPH की स्पीड लिमिट दी गई है, तो हम लोग हमारी ट्रेन को 30 तक लेके जाएंगे। 25 ज़्यादा ही स्लो हो जाएगा भाई, ट्विन्स EMD है यार, वो भी एक स्पेशल लीवरी, वो मैंने आपको बताया या नहीं, आज हमारी ट्रेन को स्पेशल लीवरी के EMDs लगे हैं, जिसमें एक है दिल्ली का WDP 4, और उसके अलावा 1000 लोको सेलिब्रेशन तुगलकाबाद का WDP 4D। और ये आप लोग देख सकते होंगे धर्माबाद रेलवे स्टेशन से खूबसूरत डिपार्चर हमारी ट्रेन का, जो कि निज़ामाबाद पुणे एक्सप्रेस है। अब इस ट्रेन के बारे में एक फैक्ट आप लोगों को मैं बता दूं, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले, यानी कि 1-1.5 हफ्ते पहले तक ये ट्रेन DMO के रेक के साथ चलती थी, और ये ट्रेन इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग DMU ट्रेन थी, जिसकी जर्नी टाइम थी 19 आवर्स प्लस, जो कि इसे इस ट्रेन को लॉन्गेस्ट रनिंग DMU ट्रेन बनाती थी। लेकिन पैसेंजर्स की सुविधा को देखते हुए इस ट्रेन को ICF में कन्वर्ट कर दिया कुछ दिनों पहले ही, 2 या 3 दिन पहले ही, और उसके बाद इस ट्रेन में आपको स्लीपर और जनरल की सुविधाएं देखने को मिलती है। और कोविड के पहले ये ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन हुआ करती थी, लेकिन कोविड के बाद इसे एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह चलाया जा रहा है, और एक्चुअल में एक्सप्रेस ट्रेन की तरह चलाया जा रहा है, क्योंकि कई सारी इंडिया में ऐसी भी ट्रेनें हैं जो सिर्फ नाम के लिए एक्सप्रेस है, लेकिन रुकती हर स्टॉप पे है। लेकिन इस ट्रेन के साथ ऐसा नहीं है, इसको कई सारे बड़े बड़े स्टेशनों को स्किप करवाया गया है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन देख सकते होंगे आप लोग, और हमारी ट्रेन ने अभी 50 प्लस की स्पीड पकड़ ली है, तो हमें ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और ये हमारा गार्ड कोच देख सकते होंगे, हमारे गार्ड भाई साहब किधर है, तो चलिए हम ही गार्ड बन जाते हैं इस ट्रेन के। हमारे गार्ड साहब तो हमें दिखाई नहीं दे रहे कहीं पर भी, तो चलिए हम लोग गार्ड वाली ड्यूटी कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे रात के अंधेरे में हमारी ट्रेन 100 KMPH की स्पीड पकड़ ली है, और काफ़ी बढ़िया रफ्तार में आगे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है वो करखेल रेलवे स्टेशन है, जो कि 20 या 25 किलोमीटर्स के बाद आएगा करखेल रेलवे स्टेशन, और उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप है उमरी। तो हम लोग ट्राई करेंगे इस ट्रेन को जहाँ तक इस पार्ट में खींच सके वहाँ तक खींचेंगे, और यहाँ पर कोई तो स्टेशन हम लोग स्किप करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें स्टेशन के बोर्ड लगाना बाकी है, तो इस चीज़ को इग्नोर करना, जब आपको ये रूट मिलेगा तब आपको स्टेशन बोर्ड वगैरह सब मिल जाएगा। तो एक किसी रेलवे स्टेशन को हम लोग हमारी 100 KMPH की स्पीड में स्किप कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया रफ्तार में हमारी निज़ामाबाद पुणे एक्सप्रेस ने स्किप कर दिया है।
और ये स्किप के साथ आपको इस ट्रेन से जुड़ा एक और फैक्ट मैं बता देता हूँ। यार आप लोग कहोगे यार कितने फैक्ट बताओगे इस ट्रेन के बारे में, लेकिन ये भी एक काफ़ी अलग रेयर सा फैक्ट है, जो कि ये ट्रेन जो है जाती तो निज़ामाबाद से पुणे है, लेकिन आते टाइम ये जो ट्रेन है वो है डोंड से निज़ामाबाद आती है, क्योंकि जो पुणे से एक ट्रेन निकलती है बारामती, जो कि पुणे से बारामती जाती है और उधर से बारामती डोंड बनकर आती है, तो इसी का उस ट्रेन के साथ रेक शेयरिंग है, इसलिए वो डोंड पर ख़त्म होती है, तो इसे भी डोंड से स्टार्ट करते हैं। इसलिए अगर आप कभी रियल लाइफ में इस ट्रेन में ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो ये ज़रूर सोच लेना कि ये ट्रेन जाती तो पुणे है लेकिन आती डोंड से है। तो भाई हमारी ट्रेन को यहाँ पर स्पीड लिमिट कम दे दी गई है, हमारी ट्रेन यहाँ पर स्लो कर दी है हमने, तो चलिए वापस से हमें 100 km/h की स्पीड मिल गई, तो वापस से हम लोग जो है फुल एक्सेलरेशन और हॉन्किंग के साथ एक और रेलवे स्टेशन आ रहा है उसे भी स्किप करने वाले हैं। नाम इसका भी मुझे नहीं पता, जब बोर्ड लगाऊंगा तब आपको बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन फुल एक्सेलरेशन करते हुए इस रेलवे स्टेशन को स्किप करते हुए, यार एक रेल पैनिंग वाला व्यू ले क्या, तो चलिए हम लोग रेल पैनिंग वाला व्यू लेते हैं। तो आप लोग देख सकते होंगे हमारी ट्रेन ने वापस से स्किप करते हुए अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली है, जो कि मुझे लग रही है ये स्पीड होगी 60 to 70। अरे स्पीडोमीटर में दिख रहा है ना यार मुझे ऊपर, तो हाँ यार हमारी ट्रेन की स्पीड थी 80 km/h और यहाँ पर डबल येलो हमें दे दिया गया है, क्योंकि अब आने वाला है करखेल रेलवे स्टेशन, जो कि हमारे इस ट्रेन का पहला हॉल्ट होने वाला है जब से हमने इस ट्रेन को ड्राइव करना चालू किया है। और वैसे इस ट्रेन का सेकंड महाराष्ट्र में हॉल्ट होने वाला है, जी हाँ महाराष्ट्र में सेकंड हॉल्ट होने वाला है, क्योंकि ये ट्रेन चलती है निज़ामाबाद तेलंगाना से, और धर्माबाद के पहले जो स्टेशन आता है बासर, उस रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन का स्टॉप है और वो आता है तेलंगाना में, और धर्माबाद ही पहला स्टेशन था जो कि महाराष्ट्र में आता है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन ने लूप लाइन ले ली और यहाँ पर एक एल्को लोकोमोटिव के साथ गुड्स ट्रेन दिखाई दे रही है। यार लोको पायलट साहब आपने लाइट्स क्यों बंद रखी है लोको की, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारी करखेल में एंट्री हो चुकी है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है करखेल रेलवे स्टेशन के, और ये रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन तो नहीं है, लेकिन एक मिनिमल एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पर रुकती है, जैसे कि रोटेगांव काचीगुड़ा एक्सप्रेस और पंडरपुर निज़ामाबाद एक्सप्रेस, और 2-3 और भी एक्सप्रेस ट्रेन है जो यहाँ पर रुकती है इंटरसिटी वगैरह, और हमारी ट्रेन का भी उन गिनी चुनी ट्रेनों में से एक है जो करखेल रेलवे स्टेशन पर रुकती है। तो आप लोग देख सकते होंगे सिग्नल हमें रेड है, और यार अगर मैं सिग्नल ग्रीन होने तक आपको ये वीडियो चालू रखूँगा ना तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो मैं एक काम करता हूँ जब तक ये सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता ना तब तक इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। तो हमारी ट्रेन को यहाँ पर सिग्नल मिल चुका है आप लोग जैसे कि देख सकते होंगे, और हमने एक लंबा सा हॉर्न भी बजा दिया है हमारी ट्रेन के साथ। तो चलिए धीरे धीरे यहाँ से थ्रॉटल देकर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप उमरी की तरफ, जो कि यहाँ से और 15 to 20 km है। तो और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा फास्ट एक्सेलरेशन करेंगे, क्योंकि लॉन्ग लूप लाइन्स है तो इसमें ट्रेन मिनिमल 35 to 40 में ट्रैक चेंज कर सकती है, जो कि परभनी स्टेशन पर भी मैंने देखा था, तो ये वहाँ पर भी होता है, तो काफ़ी बढ़िया मज़ा आएगा आप लोगों को भी। तो हमारी ट्रेन जो है आगे बढ़ रही है, करखेल से डिपार्चर ले चुकी है हमारी ट्रेन फ़िलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 से करखेल रेलवे स्टेशन पर। तो ये हमारा SLR, तो चलिए इसी को पकड़ कर हम लोग आगे चलते हैं, एकदम फ्रंट में लोको के पास चलते हैं, उसके कैबिन में राइड करते हैं हम लोग, क्या बोलते हो आप लोग, कैबिन राइड ली जाए। तो चलिए एक कैबिन राइड ले लेते हैं हमारे इस लोकोमोटिव की, जो कि 1000 लोको सेलिब्रेशन है। तो आप लोग देख सकते होंगे हमारे लोको का कैबिन क्या शानदार कैबिन है, और ये एड ऑन सारे ही बनाए गए हैं MLW प्रोडक्शन द्वारा, जो कि भाई उन्हीं के वजह से पॉसिबल हो पा रहा है इस गेम में ये वाले लोकोमोटिव और कोच खेल पाना, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कोचिस को और लोकोमोटिव को बनाने के लिए ट्रेन सिमुलेटर के लिए। और आप लोग देख सकते होंगे क्या शानदार कैबिन है इस लोकोमोटिव का भी,
और सामने एकदम ग्रीन हमारा सिग्नल है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए फटाफट से हम लोग थ्रॉटल फुल कर देते हैं और हमारी जो 100 km/h की स्पीड लिमिट दी गई है उसे टच करते हैं। और आप लोग देख सकते होंगे एक रात के अंधेरे में हमारी ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में आगे बढ़ते हुए, और फिलहाल अभी तक ज़्यादा कुछ हमें देखने को मिला नहीं है क्योंकि सिंगल लाइन है रूट है ये, तो सिंगल लाइन रूट में हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर येल्लो सिग्नल ज़रूर देखने मिल गया यार हमें, तो भाई हमें येल्लो सिग्नल वापस से मिल चुका है, तो उसका मतलब ये है कि हमें लूप लाइन पर लिया जाएगा। तो भैया हम लोग लूप लाइन को सह लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे लूप लाइन का एरो भी दिखाया गया है हमारी ट्रेन को, उसका मतलब हमें जो है ये साइड के ट्रैक में यानी कि राइट साइड लूप लाइन पे लिया जा रहा है। शायद कोई तो ट्रेन की क्रॉसिंग के लिए हमें यहाँ रुकाया जा रहा हो, क्योंकि यहाँ पर हमारी ट्रेन का कोई ऑफिशियल हॉल्ट वगैरह तो नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारी ट्रेन को यहाँ पर क्रॉसिंग के लिए ही रुकाया जा रहा हो। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया ये जो सेक्शन है फिलहाल वो सिंगल लाइन सेक्शन है, इसलिए या तो हमारी ट्रेन को रुकना पड़ेगा या तो वो दूसरी वाली, तो फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें जो है लूप लाइन पर लिया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की। अब कौन सा स्टेशन है वो मुझे भी नहीं पता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अभी स्टेशन बोर्ड लगाया नहीं हूँ इस सेक्शन के मैंने, तो वो जैसे ही लग जाएंगे वो आपको भी पता चल जाएगा। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये सारे स्टेशन के नाम बताऊंगा। अगर आपको पता है ये सारे स्टेशन के नाम तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि भैया इस रेलवे स्टेशन का नाम ये है, तो भाई कमेंट कर दो अगर आपको पता है तो। और यहाँ पर हमारी ट्रेन एंट्री लेते हुए ये प्लेटफॉर्म पर लूप लाइन पर, यहाँ पर हम लोग जो है प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग में वेट करेंगे, हमारी एक रेल पैनिंग टाइप का व्यू लेंगे इस टाइप का। और ये एक लो लेवल प्लेटफॉर्म है जो कि एक नॉर्मल ट्रेन हाइट से नीचे की तरफ होता है। आई थिंक मीटर गेज के ज़माने में भी इस टाइप के प्लेटफॉर्म है, और इंडिया में आज भी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इस टाइप के हैं, और उसमें से ये स्टेशन भी एक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे हमारी ट्रेन यहाँ पर लूप लाइन में आते हुए, आई थिंक हमारी ट्रेन पूरी आ ही चुकी होगी, लेकिन प्लेटफॉर्म में ले लेंगे हमारे सभी कोच हम लोग। तो हमारा SLR आ गया है तो ब्रेक लगा देंगे हम लोग, हमारी ट्रेन को यहीं पर रुका देंगे और देखेंगे यहाँ पर हमें कौन सी ट्रेन की क्रॉसिंग देखने को मिलती है। और आप लोग देख सकते होंगे पीछे के तरफ जो सिग्नल से वो ग्रीन हो चुके हैं, मतलब जो सामने से आने वाली ट्रेन है उसके लिए रास्ता क्लियर हो चुका है। तो हम लोग यहाँ वेट करेंगे कौन सी ट्रेन आती है क्रॉस करने के लिए। तो भैया सामने से एक ट्रेन तो आ रही है जो कि EMD लोगों के साथ आ रही है, क्योंकि मुझे वाइट कलर दिख गया है। तो भाई ये लाइन डीजल है तो इस पर वैप 7 तो आएगा नहीं, तो भाई वाइट कलर में तो भाई डीजल में हमारे पास WTP 4D बचा, तो वही लोकोमोटिव यहाँ पर आ रहा है। और कोई तो ICF ट्रेन है, तो WTP 4D ईरोड लोको शेड का एक पार्सल वैन है ये। ओ ये कोई ट्रेन नहीं है, ये एक पार्सल वैन है जिसके लिए हमारी ट्रेन को यहाँ पर रुकाया गया है क्रॉसिंग के लिए, और जो कि काफ़ी बढ़िया रफ्तार में स्किप कर रही है इस रेलवे स्टेशन को और हमारी ट्रेन को भी। तो भाई गुड बाय पार्सल ट्रेन, जहाँ भी आपको जाना हो जल्दी पहुँच जाओ। और हमारी ट्रेन को भी यहाँ पर सिग्नल दे दिया गया है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारी ट्रेन को यहाँ पर हॉर्न बजा देते हैं हम पहले तो ज़ोरदार यहाँ पर। और हॉर्न बजाने के बाद हम लोग इस रेलवे स्टेशन से डिपार्ट करेंगे धीरे धीरे। 20% थ्रॉटल देते हैं क्योंकि इसकी लूप लाइन भाई छोटी है, उसकी तरह बड़ी नहीं है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। तो वैसे भी हमने 25-30 की स्पीड टच कर ली हमारी ट्रेन ने, चल जाएगा कोई बात नहीं। और इस हमारी ट्रेन में स्लीपर कोच एकदम आगे की तरफ लगाए, यानी कि SLR के तुरंत बाद स्लीपर लगाए। अमूमन जो ट्रेन्स होती है उसमें जो SLR होता है, स्लीपर कोच जो होते हैं वो जनरल और SLR दोनों के बीच में आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी ट्रेन का जो एकदम स्टार्टिंग में ही दिया गया है। और ऐसा नहीं कि मैंने ही लगाया है, ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। और इस ट्रेन में आपको कोई भी AC कोच देखने को नहीं मिलेगा, तो भाई कभी ट्रैवल करना है आपको इमरजेंसी में तो इस ट्रेन में आपको टिकट्स हमेशा अवेलेबल मिल जाएगी। तो भाई अगर आप कभी इमरजेंसी में पुणे वगैरह आपको ट्रैवल करना है
तो इस ट्रेन को आप चॉइस कर सकते हो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा खाली टाइम है तो, क्योंकि ये ट्रेन ऑलमोस्ट आपको रात में, अगर नांदेड़ से बैठते हो तो आपको रात में 2:30 बजे बैठोगे तो दूसरे दिन शाम में 7 बजे पहुँचोगे। तो ये काफ़ी लंबी जर्नी होती है क्योंकि इस ट्रेन को टाइमिंग अभी भी उतना स्पीड अप नहीं दिया गया है। ये ट्रेन की 40 की एवरेजिंग स्पीड है, लेकिन स्किप सभी स्टेशन दिए गए जो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन करती है स्किप। तो आप लोग उस तरीके से भी देख सकते हो इस ट्रेन को। और सामने उमरी रेलवे स्टेशन आ चुका है हमारे लिए, तो हम लोग एक काफ़ी बढ़िया एंट्री ले रहे हैं उमरी रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लिया गया है, हाँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर हमारी जो है उमरी रेलवे स्टेशन पर एंट्री हो रही है, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर रोज़ाना 30 से भी ज़्यादा ट्रेनें आकर हॉल्ट लेती है, जिसमें देवगिरी एक्सप्रेस और अजंता एक्सप्रेस और कई सारी एक्सप्रेस ट्रेन है जो यहाँ पर उमरी रेलवे स्टेशन में आकर हॉल्ट लेती है। और उसी में से एक हमारी ट्रेन भी है जो यहाँ पर रुकती है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस ट्रेन को स्किप नहीं मारती है स्टेशन को, स्टेशन को भी कई सारी ट्रेनें स्किप मारती है, जैसे ओखा रामेश्वरम हो गई, विशाखापट्टनम नांदेड़ एक्सप्रेस है और अंबेडकर नगर जैसी ट्रेन यहाँ पर स्किप मारती है। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है वो मोस्टली स्टेशन को स्किप मारती है, और कई सारी एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पर रुकती भी है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन भी है इस सेक्शन का। और यहाँ पर हमारी ट्रेन को यहाँ रुका देंगे, जो भाई पहुँच चुके हैं हमारे बोर्ड के पास। और ये वीडियो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो भाई हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये रहेगा हमारी ट्रेन वीडियो का, निज़ामाबाद पुणे एक्सप्रेस का पार्ट 1। अगर आप लोग कमेंट करोगे पार्ट 2 चाहिए तो मैं बहुत ही जल्द इस ट्रेन का पार्ट 2 भी आपको ला कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मैं मिलता हूँ आप लोग कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।